Hello students, welcome back to my channel Chemistry with Priya. So students, today we are going to talk about the important reactions of the hydrocarbons. Hydrocarbons ki wajah se bahut sari important reactions hai, but in your course in NCERT you have four important reactions. Aapki char important reactions hai, combustion reactions, addition reaction, oxidation reaction and substitution reaction. आउट ऑफ दीज फोर रिएक्शन आज हम दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कंबशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट कंबशन. सो कंबशन होता क्या है? जब भी हम किसी सब्सटेंस को, यानी हाइड्रोकार्बन को, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, सो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उससे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन. सो व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्सेस ऑफ हीट एंड लाइट. This is known as combustion. तो definition क्या हो जाएगी combustion की? Combustion is the process of burning of hydrocarbon in the presence of excess of air or ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब भी हमारा कोई हाइड्रोकार्बन एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट. क्लियर? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल गैस, अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमारा क्या होता है? मीथेन होता है. अगर हम जो हम घर में यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसकी बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है? ब्यूटेन होता है. अगर हम इथेनॉल की बात करें, अगर हम इन सबको बर्न करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगी और बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट मिलेगा. अगर हम इनकी रिएक्शन लिखे तो CH4, दैट इज मीथेन, when it reacts with O2, then it forms CO2 plus H2O plus heat or light. Similarly, if I talk about ethanol, then it becomes C2H5OH plus O2, then it gives CO2 plus H2O प्लस हीट. ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा. नाउ अब 10th क्लास में आप लोग हैं तो इतने छोटे तो नहीं है कि आप लोगों ने अपने घर में बर्नर ऑन नहीं किया होगा, गैस बर्नर ऑन नहीं किया होगा. ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने घर में गैस बर्नर ऑन किया होगा. जब हम अपने घर में गैस बर्नर ऑन करते हैं तो उससे ब्लू फ्लेम रिलीज होती है. ब्लू फ्लेम रिलीज होती है. ठीक है, तो व्हाट इज फ्लेम? सबसे पहली बात तो फ्लेम क्या है? ठीक है, व्हाट इज फ्लेम? अब ये फ्लेम क्यों मैं यहां पे लेके आई हूं अभी मैं आपको बताती हूं. व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम इज द रीजन वेयर द कंबशन ऑफ द गैशियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस. फ्लेम वो रीजन है जहां पे मुझे पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है. ठीक है, मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, लेकिन मुझे पता कैसे चला कि वो बर्न हो रहा है? ठीक है, तो मुझे किसके थ्रू पता चला? उस फ्लेम के थ्रू पता चला कि वो बर्न हो रहा है. तो फ्लेम वो रीजन है जिस रीजन के थ्रू मुझे पता चला, वो रीजन है, वो एरिया है जिस एरिया के थ्रू मुझे पता चला कि हाँ वहां पे कंबशन हो रहा है. सो व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम इज दैट एरिया ऑफ द कंबशन ऑफ द
गैशियस सब्सटेंस. फ्लेम इज द रीजन वेयर द कंबशन ऑफ द गैशियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस. फ्लेम वो एरिया है जहां पे आपका क्या है, गैशियस सब्सटेंस का कंबशन होता है. ठीक है, अब बहुत सारी बुक्स में ये जो फ्लेम है, बहुत सारी बुक्स में ये लिखा होता है कि ये जो फ्लेम है ये दो टाइप की होती है, और होती भी है ये दो टाइप की, ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, येलो और ल्यूमिनस फ्लेम. ठीक है, लेकिन यहां पे बहुत कहीं कहीं पे ये चीज बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, ये बोल के कि जो ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं. ठीक है, और ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं. ठीक है, यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे दे बर्न विद द ब्लू फ्लेम एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद द येलो फ्लेम. ये जो बात है ये 50% तक सही है. ठीक है, जो मैंने बात बोली दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद द ब्लू फ्लेम एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद द येलो फ्लेम, ये बात आपकी 50% तक सही है. कैसे, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद द येलो फ्लेम, ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद द ब्लू फ्लेम ये हमेशा सही नहीं है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम से भी बर्न कर सकते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में येलो फ्लेम भी आ सकती है. अब इसका एग्जांपल देखिए, आप ही के घर में, देखिए आप ही के घर में क्या होता है कभी कभी, जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, कभी कभी अपनी मम्मी से पूछना, आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं कभी कभी नीचे से उनका जो बॉटम होता है कभी कभी वो काला पड़ने लगता है. ठीक है, कभी कभी वो काला पड़ने लगता है. ठीक है, अब देखो है तो वो एलपीजी ना, यूज आप एलपीजी कर रहे हैं. ठीक है, एलपीजी यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी आपके यूटेंसिल्स का बॉटम काला नहीं पड़ रहा, कभी काला पड़ रहा है, उसका रीजन क्या है? यानी कभी तो आपका जो फ्लेम है वो ब्लू, यानी ब्लू फ्लेम क्रिएट हो रही है जब वो काला नहीं पड़ रहा है, और कभी वो ब्लू फ्लेम क्रिएट नहीं हो रही है जब वो काला पड़ रहा है, क्यों? ठीक है, यानी कि जो ये ब्लू और येलो फ्लेम है इसका सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से कोई रिलेशन नहीं है. यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, लेकिन ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम का सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से कोई रिलेशन नहीं है. इनका रिलेशन किससे है? इनका रिलेशन है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से. इनका रिलेशन किससे है? इनका रिलेशन है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से. इफ देयर इज अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होगी देन देयर इज कंप्लीट कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का वहां पे कंप्लीट कंबशन होगा, और जब हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होगा तो वहां पे कौन सी फ्लेम क्रिएट होगी? ब्लू फ्लेम क्रिएट होगी. ठीक है, मतलब when there is sufficient supply of oxygen, when there is sufficient supply of oxygen, जब oxygen की supply क्या होगी? Sufficient होगी, then there is complete combustion of the hydrocarbon, or due to complete combustion of the hydrocarbon, hydrocarbon पूरी तरीके से जल जाएगा, वहां पे कोई भी कार्बन का कॉन्टेंट नहीं रहेगा, इसीलिए वहां पे कौन सी फ्लेम क्रिएट होगी? ब्लू फ्लेम क्रिएट होगी, और लाइट का कॉन्टेंट बहुत कम होगा. ठीक है, इसीलिए क्या होगा? लाइट का कॉन्टेंट कम होगा. इसीलिए क्या आप गैस की लाइट में पढ़ाई कर सकते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन हो जाता है, तो कंप्लीट कंबशन होने की वजह से क्या होता है? रोशनी कम होती है, क्योंकि कार्बन का कंटेंट पूरी तरीके से बर्न हो जाता है.
ठीक है, बट व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी, तो वहां पे जो हाइड्रोकार्बन के कंटेंट होंगे वो पूरी तरीके से कंबस्टिबल नहीं होंगे, वो पूरी तरीके से नहीं जलेंगे, जिससे हाइड्रोकार्बन के कंटेंट वहां पे रह जाएंगे, जिस वजह से वहां पे कौन सी फ्लेम क्रिएट होगी, येलो फ्लेम क्रिएट होगी, और येलो फ्लेम से ज्यादा लाइट क्रिएट होगी, जिससे आपको वहां पे ज्यादा रोशनी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल कैंडल लाइट. अब कैंडल किससे बनी होती है? वैक्स. और हमें पता है वैक्स भी कौन सा कार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फिर भी उससे कौन सी फ्लेम रिलीज हो रही है? येलो फ्लेम. क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ हाइड्रोकार्बन का कंटेंट क्या रह जा रहा है? अनकंबस्टिबल रह जा रहा है, वो नहीं कंबस्टिबल हो पा रहा है ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है, कंबस्टिबल नहीं हो पा रहा है. इसीलिए वहां पे कौन सी फ्लेम रिलीज हो रही है? येलो फ्लेम रिलीज हो रही है, ज्यादा लाइट रिलीज हो रही है, और आग कैंडल की लाइट में पढ़ाई कर पाते. ठीक है, तो ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पे डिपेंड नहीं करती है. वो किस बात पे डिपेंड करती है? कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कैसी है. इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, तो हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से बर्न करेगा, ब्लू फ्लेम क्रिएट होगी. इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट, तो वहां पे हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से बर्न नहीं करेगा, और कौन सी फ्लेम क्रिएट होगी? येलो फ्लेम जनरेट होगी. लेकिन हाइड्रोकार्बन में क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए वो पूरी तरीके से कंबस्टिबल नहीं हो पाते हैं. तो वहां पे कौन सी फ्लेम क्रिएट होती है हमारी? येलो फ्लेम क्रिएट होती है. इतना क्लियर हुआ? दिस थिंग इज क्लियर. तो ये हमारा क्या हो गया? Combustion. Now we'll talk about the addition reaction. Okay, addition reaction. अब हम किसकी properties पढ़ रहे हैं? Hydrocarbon की. Hydrocarbon दो type के होते हैं, saturated and unsaturated. अब बताओ, saturated में carbon की चारों valency पूरी होती है. वैसे तो unsaturated में भी होती है, लेकिन carbon की saturated में चारों की चारों valency पूरी होती है through the single bond. लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड से होती है. यानी कि अनसैचुरेशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के कोई चीज ऐड की जा सकती है, लेकिन सैचुरेशन में ऐसी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है. यानी कि जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सबसे पहली बात आ रही बात समझ में? एडिशन रिएक्शन है मतलब ऐड होना है. अब ऐड किस में हो सकता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करने के जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड में जो चार बॉन्ड है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, जिनको तोड़ के हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं. तो एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट ऑफ ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड की. तो एडिशन रिएक्शन क्या है हमारी? अ रिएक्शन इन विच वी एड अ मॉलिक्यूल टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू मेक इट सैचुरेटेड. तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन. क्लियर? सो एडिशन रिएक्शन हमारा क्या है? अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ एडिशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू कन्वर्ट इट इनटू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें सिंपल मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और उस सिंपल मॉलिक्यूल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये हमारी क्या है? एडिशन रिएक्शन. सिंपल. ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन हमारी दो टाइप की होती है. ठीक है, एक है हमारी हाइड्रोजिनेशन और एक है हमारी हेलोजिनेशन.
वन इज हाइड्रोजनेशन एंड अनदर वन इज हेलोजिनेशन. नेम ही इंडिकेट कर रहा है बेटा. हाइड्रोजनेशन मीन्स ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है ना, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आएगा. और हेलोजिनेशन मीन्स सिंपल मॉलिक्यूल की जगह पे हेलोजन आएगा. हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X2. X2 मतलब कोई भी हेलोजन, F2, Cl2, Br2, I2 gives CH2X, CH2X. ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या है? हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक सिंपल मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. एल्कीन को कन्वर्ट करेंगे एल्केन में. एल्काइन पहले कन्वर्ट होगा एल्कीन में, और क्या फिर एल्कीन किसमें कन्वर्ट होगा? एल्केन में. ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन. नाम ही बता रहा है, अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रोजनेशन, हेलोजन ऐड होगा तो हेलोजनेशन. ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन की एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वेजिटेबल घी में. ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वेजिटेबल घी में, थ्रू दी हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन की हेल्प से वेजिटेबल ऑयल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वेजिटेबल घी में. जो ये वेजिटेबल ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. ये क्या होता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. इस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. यहां पे निकल क्या होता है? कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? कोई एक सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है. ठीक है, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जो चीज मैं पढ़ा रही हूं अभी, ठीक है, वो चीज आपको बुक में भी मिलेगी. ठीक है, लेकिन आप वो चीज खुद पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको समझने में टाइम लगेगा. लेकिन अगर मैं वो आपको समझा रही हूं तो आपको वो एक वे में आपको क्या मिलेगा? एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप उसको थोड़ा सा ज्यादा जल्दी समझ पाओगे. ठीक है, तो वही काम यहाँ पे निकल कर रहा है कि निकल इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा है, रिएक्शन को जल्दी करवाने का काम कर रहा है. ठीक है, और वेजिटेबल घी यहाँ पे क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ही है, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ही है जिससे वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट होता है? हमारा वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. अब अगर हम हेलोजनेशन की बात करें तो हेलोजनेशन का क्या एप्लीकेशन है, हेलोजनेशन का क्या यूज है? तो यहां पे क्या है? डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन. ठीक है, मतलब मैंने आपसे कहा कि ये कंपाउंड है, ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, मतलब ये मैंने कहा इथेन है, ये इथीन है, दोनों कलरलेस है. अब आप कैसे मानोगे कि ये इथेन है, ये इथीन है? है ना, दोनों कलरलेस है, मैंने कहा ये इथेन है, ये इथीन है. ठीक है, आपने मुझसे कहा प्रूफ करके दिखाओ कि कौन सा इथेन है, कौन सा इथीन है. ठीक है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2. ब्रोमीन क्या है यहाँ पे? हेलोजन है. ठीक है, इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन.
ये मेरा क्या है, इथीन है, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं CCl4 ले लेती हूँ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगी, आप इसको छोड़ दोगी, एडिशन रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH2Br, CH2Br, और जैसे ही बनेगा ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये कंपाउंड क्या था, अनसेचुरेटेड था। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं ये यहां पे क्या यूज करती, CH3 यूज करती, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती ही नहीं, ये कलरलेस होता ही नहीं, ये रेडिश ब्राउन ही रहता, ठीक है, ये अपना कलर यहाँ पे छोड़ता ही नहीं, ये रेडिश ब्राउन था, रेडिश ब्राउन ही रहता, ठीक है। तो ये प्रूफ है, ये क्या, इसने प्रूफ किया, इसने डिटेक्ट किया कि यहाँ पे अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द हैलोजिनेशन। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल, इसके दो पार्ट है, हाइड्रोजिनेशन और हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। हाइड्रोजनेशन का क्या एप्लीकेशन है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, और हैलोजनेशन का क्या एप्लीकेशन है, अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन।